नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कोल बिल मिरर, हर पल आपके साथ। एक बार आप सब मुझ पर विश्वास करके देखिए, और यही विनती मेरे पति ने भी अपने स्वर्गीय पति ने, और उनके कार्य को आप सब कहीं ना कहीं भूले नहीं हैं, कोई ना सब उन्हें कहीं ना कहीं जग से जानते ही हैं। मेरी आप सबसे विनती है, एक बार विश्वास करके देखिए और मुझे सेवा का मौका भी दीजिए। ये जीवन भर की सेवा नहीं होती है, मात्र 5 साल के लिए आप किसी को भी मौका देते हैं। एक बार अगर आपको अपनी परेशानियों से जूझना है, अपने लिए लड़ना है, एक बार मुझे मौका दीजिए। कल रागिनी जी ने तीसरी मीडिया से बात किया था, और उन्होंने कहा कि झरिया की जनता की सेवा लंबे समय से सिर्फ मेंशन ही करती आ रही है, मेंशन परिवार ही करती आ रही है, तो ऐसे में उनका हक बनता है कि वो उन्हीं के लिए सिर्फ सोचें। तो आप क्या कहेंगे? जी, सबसे बड़ी गलती है कि राजनीति को अपनी विरासत समझना। ये किसी की अपनी विरासत नहीं है। इसमें जो भी कैंडिडेट आपको अच्छा होगा, जिसे जनता ऐसा महसूस करती है कि वो उनकी सेवा करने लायक है, जिसे जनता चुनेगी वही रहेगा। अब वो अपना उसे विरासत समझती हैं तो ये उनकी परेशानी। तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का विचार है या कांग्रेस से टिकट मिल रहा है? कांग्रेस से टिकट मिल रहा है। धन्यवाद। कांग्रेस से आसन मिल जाएगा, टिकट मिलेगा, और पूर्णिमा धनबाद से लड़ेगी, ताकत लगाएंगे। कल रागिनी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था, रागिनी सिंह का कल एक बयान आया, उन्होंने कहा कि लंबे समय से सिर्फ मेंशन परिवार ही वहाँ पर झरिया के लोगों की सेवा करती आ रही है, तो वहाँ पर किसी और को वहाँ की जनता नहीं चुनेगी। तो हम लोग जो सिंह परिवार के हैं, हम लोग मेंशन परिवार के नहीं है, उसी में गुट है, जिसको लोग पसंद करेंगे वो जीतेंगे, दबाएंगे। और ये सब जगह का रिपोर्ट आ रहा है कि पूर्णिमा भारी मत से जीतेगी, कोई बनावटी बात नहीं है। चुनाव हुआ हरियाणा में, महाराष्ट्र में, देखते ही हैं। और कुछ आज पटना से लोग फोन किए थे कि इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है कि बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, आप भी लड़े हैं कांग्रेस से। इधर देखिए सर, तो क्या बीजेपी की स्थिति पूरे प्रदेश में यही होने वाली है? हाँ, लोग बहुत नाराज हैं, लोग बहुत बीजेपी से नाराज हैं। केवल 370-375 से हटाने से समस्या हल नहीं हुई, और जहाँ 120 रुपये किलो प्याज बिकता है वहाँ भी स्थिति समझिए। तो किन किन मुद्दों पर सरकार को आप विफल मानते हैं? सभी मुद्दों पर विफल। फॉरन पॉलिसी का कहाँ है? चारों तरफ देश के पड़ोस में हाहाकार मचा है, कब झगड़ा हो जाएगा, कब गोली चल जाएगी, तो लड़ाई हो जाएगी। अगर स्थानीय मुद्दे की बात करें तो बाद में रघुवर सरकार को कितना नंबर देंगे आप? 10? लड़ाई असली स्थानीय मुद्दे पर ही होगी, नेशनल मुद्दे पर नहीं होगी। लड़ाई स्थानीय मुद्दा पर होगा, लोग स्थानीय मुद्दा देखेंगे। सब्जी खरीदने जाता है कोई 500 रुपये का, 500 रुपये का, तो इसी मिल जाता है, मुद्दा तो रहेगा ना।